हाँ तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की 16 विधानसभा के बारे में। विधानसभा चुनाव होने के बाद, विधानसभा गठित होने के बाद विधानसभा में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चनों में से एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब राजस्थान की जो विधानसभा गठित हुई उसके बाद में कोई विशेष पेपर हुए भी नहीं, कोई लेक्चर वाला पेपर हुआ तो उस टाइम में ये गठित हुई थी उसमें कोई क्वेश्चन आया नहीं। आगे वाले पेपर में वैसे भी करण के जीके के 2-3 क्वेश्चन आए तो उसमें भी इनका क्वेश्चन नहीं था। अब इस प्रश्नों का शिकार बनेगा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती और संगणक भर्ती। तो जो जूनियर अकाउंटेंट और संगणक भर्ती वाले वो इन क्वेश्चनों को एकदम ध्यान से देख लेना, और जो भी नेक्स्ट एग्जाम 2024 के अंदर जो भी एग्जाम होगी उनमें भी इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो 16 विधानसभा राजस्थान, यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया कि जो अभी चुनाव हुआ है वो कौन सी विधानसभा का था, 16 विधानसभा का। 16 विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है, टिक्काराम जुली विपक्ष के नेता है। मुख्य सचेतक कौन है, मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग। 16 विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी है, हर बार की महिला विधायक जो विधानसभा में चुन कराती है उनका परीक्षा प्रश्न आता है, तो इस बार जो 16 विधानसभा इसमें महिला विधायक कितनी चुनी हुई, 20। प्रोटेम स्पीकर कौन है, कालीचरण सराफ। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ, ये क्वेश्चन प्रोटेम स्पीकर का पिछले को लेक्चर में आया था। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि विधानसभा का अध्यक्ष जब तक अपना पद ग्रहण करता है उससे पहले विधायक को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल किसी को प्रोटेम स्पीकर बनाता है। किसको बनाता है, जो सबसे वरिष्ठ होता है। तो कालीचरण सराफ है, ये 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं, 8 बार, 8वीं बार इस बार चुने गए। तो कालीचरण सराफ है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। वैसे प्रोटेम स्पीकर का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। फिर है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन है, श्री बजनलाल शर्मा। कौन से मुख्यमंत्री, 26वीं मुख्यमंत्री। अभी आए वाले पेपर में हाईकोर्ट के न्यायाधीश का पूछा था कौन से, तो याद ये रखना बजनलाल शर्मा है, 26वें बजनलाल शर्मा 26वें, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि से कितने, 14वें व्यक्ति है। यानी सीएम तो 26वें लेकिन व्यक्ति की दृष्टि से 14वें, क्योंकि जो सीएम बार बार रिपीट हुए तो उस हिसाब से वो 26 हो गए लेकिन व्यक्ति की दृष्टि से 14वें। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन है, शायद सांगानेर से चुनाव जीत कर। शपथ इन्होंने कब ग्रहण की, 15 दिसंबर 2024 को। यह भी प्रश्न पूछा गया है पहले एग्जामों में कि शपथ ग्रहण कब की, 15 दिसंबर 2024 ने। जो भी पहले मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है उनके बारे में पूछा गया है कि उन्होंने शपथ ग्रहण किस दिन को की और कहां की, ये भी पूछा जाता है अलबर्ट हॉल जयपुर में। अब देखो उप मुख्यमंत्री दो बनाए गए, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा दो मुख्यमंत्री है। विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, वासुदेव देवनानी को, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा के ओएसडी, इन्हें हाल फिलहाल में ओएसडी नियुक्त किया गया, किन्हें, योगेश्वरी वास्तव। योगेश्वरी वास्तव है, इनको मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा के ओएसडी नियुक्त किया गया। अब देखो जो हनुमान बेनीवाल है, दिया कुमारी है, बाबा बालकनाथ है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, ये विधायक बन गए थे। इससे पहले क्या थे, लोकसभा सांसद थे। तो ये विधायक बनने के बाद इन चारों ने लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन इस प्रकार से आ सकता है कि इनमें से कौन जो विधायक है वो पहले लोकसभा सदस्य नहीं था। तो हनुमान बेनीवाल, दिया कुमारी, बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये लोकसभा सदस्य थे। वैसे किरोड़ीलाल भी ना वो राज्यसभा के सदस्य थे। लोकसभा सदस्य बेनीवाल, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन्होंने विधायक बनने के बाद लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। फिर देखो मंत्रियों के बारे में, बहुत बार मंत्रियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैबिनेट मंत्री मैंने वही उठाए हैं जो मोस्ट है, जो एग्जाम में आते हैं, बाकी कैबिनेट मंत्री मैंने एकदम विस्तार पूर्वक नहीं लिखे। तो यदि विस्तार पूर्वक देखना तो मंत्री वाली पीडीएफ देख लेना। मोटे मोटे जो कैबिनेट मंत्री है, किरोड़ीलाल मीणा, कौन सा विभाग है इनके पास, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग। किरोड़ीलाल मीणा के पास कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग। मदन दिलावर के पास शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग। पूछा जाता है शिक्षा विभाग के मंत्री, शिक्षा विभाग मंत्री कौन है, मदन दिलावर। कृषि के किरोड़ीलाल मीणा। गजेंद्र सिंह, इनके पास कौन सा विभाग है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। बाबूलाल खराड़ी है, इनके पास है गृह रक्षा। बजनलाल शर्मा सीएम खुद के पास कौन कौन से विभाग है, कार्मिक विभाग है, गृह विभाग है, आयोजना विभाग है। जो पुलिस है वो गृह विभाग के अंडर में आती है। तो बजनलाल शर्मा के पास कार्मिक, गृह और आयोजना विभाग। फिर देखो दिया कुमारी डिप्टी सीएम, इनके पास कौन से विभाग है, वित्त विभाग है। बजट पेश कौन करता है, वित्त मंत्री। तो बजट पेश कौन करेगी, दिया कुमारी। वित्त विभाग है, पर्यटन विभाग है और महिला एवं बाल विकास विभाग है। अपने जो राजस्थान का मंत्रिमंडल गठन हुआ इसमें दो ही महिला है, तो उसमें एक दिया कुमारी है, इनके पास वित्त, पर्यटन और महिला और बाल विकास विभाग।
फिर है डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ, प्रेमचंद बेरुआ है, इनके पास कौन सा विभाग है, तकनीक और उच्च शिक्षा और परिवहन और सड़क, प्रेमचंद बेरुआ के पास। फिर है अविनाश गहलोत, अविनाश गहलोत के पास सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। फिर है संजय शर्मा, ये कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार, ये कौन से मंत्री है, वन और पर्यावरण, क्योंकि पिछले बोले लेक्चरर के एग्जाम में वन और पर्यावरण मंत्री के बारे में पूछा गया था। ले लो स्क्रीनशॉट इसका आराम से, सोलह विधानसभा के बारे में देख लिया। अब देखो सोलह विधानसभा चुनाव, चुनाव है, मतदान हुआ 25 नवंबर 2023 को, मतगणना कब हुई, मतगणना हुई 3 दिसंबर 2023, मतदान प्रतिशत कितना रहा, 75.45%। यह है इसमें ईवीएम से मत पड़े 74.62 और जो डाक मतपत्र है इनसे हुआ 0.83% मतदान। इनमें जो दिव्यांग और वृद्धजन थे उनके लिए वोट फ्रॉम होम की पहली बार सुविधा दी गई, पिछले चुनाव की तुलना में 0.74% अधिक मतदान हुआ, 0.74% अधिक मतदान हुआ पिछले चुनाव की तुलना में, और महिला मतदान है वह पुरुष मतदान की तुलना में ज्यादा हुआ। ये चीजें आपके काम काम में आएगी यदि ऑप्शन दिया हुआ इनमें से सत्य है, इनमें से असत्य उस टाइम में, ठीक है, महिला मतदान है वो पुरुष मतदान की तुलना में ज्यादा हुआ। अब देखो सर्वाधिक मतदान वाला जिला, सर्वाधिक मतदान वाला जिला कौन सा था, जैसलमेर। सर्वाधिक मतदान की विधानसभा आपको पूछ ली जाए, विधानसभा कौन सी थी, कुशलगढ़, कुशलगढ़ बताइए बांसवाड़ा। न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा कौन सी थी, आहोर, आहोर उदयपुर। सबसे कम मतदान वाली विधानसभा आहोर और सबसे ज्यादा मतदान वाली विधानसभा कुशलगढ़। अब देखो सबसे युवा विधायक, युवा विधायक है 25 साल के, रविंद्र भाटी और अंशुमान भाटी दोनों 25-25 साल के, सबसे युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी और अंशुमान सिंह भाटी। सबसे बुजुर्ग विधायक, सबसे बुजुर्ग विधायक का पूछ ले जाए तो रिमोहन शर्मा, कांग्रेस के रिमोहन शर्मा थे वो सबसे बुजुर्ग विधायक थे। चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम में क्या आया, 115 सीट भाजपा के, 69 कांग्रेस के। यहाँ एक चीज ध्यान रखा, अब कांग्रेस की 70 हो गई क्योंकि जो चुनाव स्थगित हुआ था करणपुर गंगानगर में वहां पे बाद में वापस चुनाव वहां कांग्रेस जीती, तो अब कांग्रेस की सीट पूछ ले जाए आपके पेपर में तो आपको करनी है 70, 115 भाजपा। ये जो मतगणना 3 दिसंबर वाला परिणाम है ना वो अपन पढ़ रहे, तो 115 भाजपा, 69 कांग्रेस, अन्य 15, अन्य 15 में देख लेना बीएपी 3 है, आरएलपी 1 है, आरएलडी 1 है, बसपा 2 और निर्दलीय 8 है, मोटा मोटी याद रखना है। अब भाजपा के पास 115 और कांग्रेस पास 70। सबसे बड़ी जीत किसकी थी, दिया कुमारी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी है, इनकी सबसे बड़ी जीत थी 71,368 वोटों से जीती, और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा, विद्याधर नगर। तो ये टॉपिक है आपके करंट में, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से इस टॉपिक को देख लेना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।